हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो चलिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लिक्विड आलू पराठा की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस एंड सॉफ्ट होता है। अगर आपने एक बार ये खा लिया तो आपका नॉर्मल आलू पराठा खाने का मन नहीं करेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैंने ये पोटैटोज़ ले लिए हैं, इसको बॉईल किया हुआ है। अब मैं इनको छील लूँगी। अब हमें ये छील के इनको अच्छे से ग्रेट करना है। आप चाहो तो मैश भी कर सकते हो, बट बहुत ही फाइनली ग्रेट करना है, और मैश करोगे तो वो भी बहुत ही अच्छे से करना है। तो ये हो गए मेरे आलू मैश। तो अब मैं इसमें मसाले डाल लूँगी। ये मैंने अजवाइन डाली। आप चाहो तो जो आपका मन करे आप वो मसाला डाल सकते हो, बट मैं थोड़ा सिंपल ही रखूँगी इसलिए अजवाइन के बाद मैंने ये थोड़ा नमक डाला। थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स डाल लेंगे और यदि थोड़ा सा मैं आमचूर डालूँगी। मुझे ना आलू पराठा में आमचूर बहुत ही पसंद है। आप चाहो तो हींग भी डाल सकते हो, प्याज भी डाल सकते हो, बट वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रेट हुए होने चाहिए। तो अब मैं इन सबको अच्छे से मैश कर लूँगी। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से मैश करना है, नहीं तो आपका पराठा अच्छा नहीं बनेगा। अब इसके बाद हम एक बाउल में अपना एक घर का गेहूं का आटा ले लेंगे। आप चाहो तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हो, बट वीट फ्लोर एक हेल्दी ऑप्शन है तो आप एक वीट फ्लोर ले सकते हो, ठीक है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका अच्छे से बैटर बनाना है। बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए? जैसे हमारा डोसा बैटर होता है ना, वैसा, जैसा हम क्यूर बनाते हैं ना, हमारी डोगरा डिश है, वैसा बैटर हो जाए। जब चीले से थोड़ा सा, मतलब कंसिस्टेंसी थिन होनी चाहिए, और आपको फिर उसे अच्छे से, मतलब अच्छे से, कोई लंप नहीं रहनी चाहिए, कुछ नहीं, अच्छे से बैटर बनाना है। और अगर आपने जितना आटा लिया उसका आपको 1/4 पोटैटोज़ उसमें डालने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप उससे ज़्यादा डालोगे तो आपके वो अच्छे से पकेगा नहीं, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बना रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा बैटर बन गया। इसका तो मेन ही यही है कि आपको अच्छे से बैटर बनाना है। आप जितना अच्छे से बैटर बनाओगे उतना अच्छा पराठा बनेगा, उतना ही सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट होगा, बाहर से क्रिस्पी होगा। तो ये बैटर बनाने में आपको काफ़ी मेहनत लगेगी। ओके, मेरा बैटर ऑलमोस्ट अच्छा रेडी हो गया है। पैन लेके रखा है गैस पे, तो अब मैं इसमें अपना बैटर डालूँगी। और ये मेरा लिक्विड आलू पराठा तैयार हो रहा है। कितना सही लग रहा है ना? अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, आई विल अप्रिशिएट दैट सपोर्ट एंड शेयर। ओके, अब हम इसको ऑलमोस्ट पक गया है, अब हम इसको आराम से, या फर्स्ट टाइम जब आपने इसको पलटना है, आराम से ये पलट लेंगे। ओके, अब हम इसमें थोड़ा सा अपना ऑयल घी जो भी है हम लगा लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं घी लगा रही हूँ, आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल लगा सकते हो, सरसों का तेल, व्हाटएवर यू वांट। ओके, फिर इसको धीमी आंच पे पकाना है। पर अच्छा लग रहा है, मन तो करा भी खा लूं। ओके, ऑलमोस्ट रेडी, और हम इसको निकाल लेते हैं। ऐसे ही मैं अपने सारे पराठे बना लूंगी। तो ये हमने सर्व कर लिया, बिल्कुल नॉर्मली दही के साथ सर्व किया। देखिए, आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट है ये, इतना सॉफ्ट है कि बाइट भी अच्छे से नहीं बन रहा। Yum. Okay, ये थी मेरी रेसिपी। Do like this video, subscribe to my channel and share.
टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।